दोस्तों, जंगल का जीवन बहुत कठोर और क्रूर होता है। यहाँ जिंदगी और मौत के बीच में एक बहुत महीन लाइन होती है। जंगल में पाए जाने वाले सभी मांसाहारी जानवरों के नुकीले और मजबूत दांत अपने शिकार को कुछ ही सेकंड में क्रश करने के लिए काफी होते हैं। इनसे कमजोर जानवर ही इनके शिकार करते हैं, जैसे जेब्रा, वाइल्ड बीस्ट आदि। इस वीडियो में जेब्रा का एक झुंड धीरे धीरे पानी को पार कर रहा है। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं कि इस पानी में कोई शिकारी भी हो सकता है। कुछ जेब्रा पानी को क्रॉस कर चुके हैं और कुछ अभी कर ही रहे हैं। जेब्रा के झुंड में सभी तरह के जेब्रा शामिल हैं, छोटे भी और बड़े भी। थोड़ी देर में क्रोकोडाइल एक जेब्रा के पैर को अपने जबड़े में लॉक कर लेता है और उसका शिकार करने का प्रयास करता है। इस छीना झपटी के दौरान इस जेब्रा के बाकी साथी उस पानी को लगातार क्रॉस करते रहते हैं। क्रोकोडाइल के आसपास होते हुए ही थोड़ी देर की मेहनत के बाद ये जेब्रा क्रोकोडाइल के मुंह से अपने पैर को छुड़ाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन बेचारा भूखा क्रोकोडाइल कब तक अपने आप को रोकता। अगले पल उसने एक छोटे जेब्रा को अपना शिकार बनाया और अपने मुंह में दबा लिया और अपने ठिकाने की तरफ तैरना शुरू कर दिया। फिर अपने साथी क्रोकोडाइल्स के साथ उसे शेयर करके चट कर गया। दोस्तों, जंगल के जीवन में छोटे जानवरों को बड़े शिकारी जानवरों से कदम कदम पर मौत का खतरा रहता है। इस बात का सटीक उदाहरण पेश करता है ये फुटेज, जिसमें एक इम्पाला पानी क्रॉस करते वक्त एक क्रोकोडाइल के द्वारा पकड़ लिया गया। बेचारा नन्ना इम्पाला क्रोकोडाइल से बचने की लाख कोशिश करता है, लेकिन हर बार क्रोकोडाइल उसे खींच लेता है। थोड़ी देर में इम्पाला खुद को क्रोकोडाइल से छुड़ाने में कामयाब तो हो जाता है, लेकिन अब उसके पैर घायल हो चुके हैं और ये तालाब कच्चा है, जहाँ से वो बाहर निकलने की कोशिश तो करता है लेकिन बार बार पानी में वापस फिसल जाता है। इतने प्रयासों के बाद इम्पाला हार मानकर पानी में ही रुक जाता है, जैसे कि वो अपनी मौत का इंतजार कर रहा हो। खैर, इम्पाला ने हिम्मत जुटाई और एक बार फिर बाहर निकलने की कोशिश की। इस बार इम्पाला की मेहनत रंग लाई और वो क्रोकोडाइल से बचकर पानी से बाहर निकलने में कामयाब हुआ। उसके बाद वो हुआ जिसका उसे अंदाजा भी नहीं रहा होगा। जैसे इम्पाला पानी से निकलकर आगे बढ़ा, घात लगाए बैठे एक लेपर्ड इम्पाला पर टूट पड़ा और उसे गर्दन से पकड़कर पेड़ पर जा बैठा। अब इम्पाला किसी का भोजन बन चुका था। यहाँ एक जवान शेर तैर कर नदी को क्रॉस कर रहा है और उसे इस बात का कतई अंदाजा नहीं है कि यहाँ उसका कोई शिकार भी कर सकता है। शायद ये शेर जंगल का राजा होने के गुरूर में है। लेकिन भाई साहब, किसी का बुरा वक्त किसी भी वक्त आ सकता है। इस नदी में मौजूद क्रोकोडाइल की नजर शेर पर पड़ चुकी है। वो इस शेर का पीछा करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर पीछा करने के बाद क्रोकोडाइल अचानक शेर पर हमला करता है। शेर तुरंत फुर्ती में आ जाता है और मगरमच्छ से छूटकर छलांग लगाता हुआ तुरंत पानी से बाहर भाग जाता है। इस वीडियो में गजेल का एक झुंड नदी पार कर रहा है। गजेल भागने में माहिर जानवर होता है, जिसकी स्पीड 80 से 90 किलोमीटर हो सकती है। नदी पार करता गजेल का यह झुंड किसी भी तरह के खतरे से अनजान है। उन्हें नहीं पता कि कोई जानलेवा खतरा लगातार उनकी तरफ बढ़ रहा है। थोड़ी देर में एक क्रोकोडाइल गजेल को अपने शिकार बनाता है और देखते देखते कुछ सेकंड में उस छोटे गजेल को निकल जाता है। इस वीडियो में अभी अभी पानी के अंदर से शेर ने किसी जानवर का शिकार किया है। अभी शेर ने उसे खाना भी शुरू नहीं किया था कि एक क्रोकोडाइल शेर के मुंह से उसके शिकार को छीनने आ जाता है। शेर अपने शिकार का पीछा आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। शेर उस क्रोकोडाइल के पीछे पीछे जाने लगा। थोड़ी देर की मशक्कत के बाद शेर ने क्रोकोडाइल के मुंह से अपने शिकार को छीन कर दम लिया। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।